अलग बच्चों सभी को राम राम। देखेंगे बच्चों अब आगे हम जो करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है को प्राइम नंबर पर डील करते हैं, ठीक है। तो जो है बेटा हम पहले जो पहले पार्ट में और सारे नंबरों को एक्सप्लेन किया है, तो आप उसे पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें बेटा, तब आपको ज्यादा अच्छे तरीके समझ में आएगा। देखते हैं बच्चों, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? को प्राइम नंबर ही होते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका हमारा एससीएफ क्या हो बच्चों, वन हो। कोई सा भी वो नंबर हो, जरूरी नहीं है कि प्राइम हो या कोई भी हो, कोई सा भी नंबर हो सकता है, हमारा कॉम्पोजिट नंबर भी हो सकता है। तो ऐसे दो नंबर जिनका एससीएफ क्या हो बच्चों, वन हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि हमें उसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं 5, 6, 9 और 16। देखो क्या ये पांच जो है, इन पांच और छह किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड हो सकता है, दोनों से नहीं हो सकता, 9 से 9, 16 नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम बात करें 2 और 4 की, तो ये क्या को प्राइम नंबर है? नहीं है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम देखेंगे ये जो हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ गया सभी को कोई डाउट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा इंटीजर, इंटीजर नंबर कौन से होते हैं बेटा? ये भी एक इंपॉर्टेंट नंबर है, प्लीज इसको ध्यान से समझें, ठीक है, फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा ये। देखिए इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर बेटा जो हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के जो नंबर होते हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के सारे नंबर, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑल द नंबर्स विदाउट इंक्लूडिंग द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। ऐसे नंबर जो हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के सारे नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ के, वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर नंबर कहलाते हैं, और उन्हें हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें। देखिए देखते हैं जरा, जैसे 0 हो गया हमारा, ठीक है, उसमें 0 भी आता है बच्चों, ठीक है। तो देखो इंटीजर भी हमारे 3 टाइप के हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0। तो 0 भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है, 1, 2, 3, 4। अगर देखो बेटा यहाँ पर हम काउंट करें, मतलब बात करी जाए हमारे और नंबरों की, तो जैसे अगर 1 के आगे सारे नंबर लेते हैं, तो ये हमारे कौन से नंबर होते हैं बेटा? अभी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ये हमारे कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं, तो कौन से नंबर होते हैं, वो हमारे होल नंबर होते हैं, ठीक है बच्चों। और ये नेगेटिव वाले नंबर को भी हम काउंट कर देंगे, तो ये हमारे कौन सा कहलाएगा, हमारा इंटीजर कहलाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ऑल होल नंबर आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर, ऑल इवन नंबर आर इंटीजर, ऑल ओड नंबर आर इंटीजर, ये सारे क्या है बेटा, इंटीजर नंबर है। समझ आ गया बच्चों सभी को? चलो बच्चों आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अब आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर कौन सा होता है बेटा? ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस हमारा क्या है, 2 है, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस हमारा क्या है बच्चों, 2 आए, वो हमारा क्या कहलाता है, ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। तो एग्जांपल लिख देते हैं 5, 7, 17, 19। देखो इनको घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 2, ये कितना आ रहा है, 2, तो ये कौन सा नंबर हो गया हमारे, ट्विन प्राइम नंबर हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई डाउट बच्चों, इसमें किसी को कोई समस्या? चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो एक हमारा नंबर आता है, बहुत बेसिक नंबर है, ठीक है, जो हम यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है, रियल नंबर, ठीक। उसके बाद इसमें आता है नंबर आपका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और एक आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या है, ठीक है, ये होगी हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और ये इमेजिनरी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, और ये हमारी मिश्रित संख्या, ठीक है, जो दोनों को मिला के होती है। तो देखो बेटा रियल नंबर की बात करेंगे, तो रियल नंबर में हम ये देखेंगे कि जितने भी हमारे नंबर होते हैं, जितने भी हमारे नंबर सिस्टम अभी हमने पढ़े, ठीक है, अभी 2 नंबर सिस्टम और बाकी हैं, उसको भी डील करेंगे इसके बाद, जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उसको मैं बाद में इसलिए डील करूंगा बेटा क्योंकि उसके बेसिस पे ना आपके चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा हम उसको देखते हैं डिटेल में, ठीक है। तो देखो 2 नंबर है यहाँ पर हमारे, रैशनल और इमेजिनरी, सॉरी रियल और इमेजिनरी। तो जो रियल नंबर होता है बेटा, जितने भी हमने पीछे नंबर पढ़े, वो सारे नंबर अगर हम मिला दिए जाए, तो वो हमारा रियल नंबर कहलाता है, ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जो हमारा रियल नंबर होता है बच्चों, जो हमारा रियल नंबर होता है, वो हमारा रैशनल प्लस इरेशनल होता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, तो अगर इनडायरेक्टली देखी जाए, तो बच्चों रैशनल के अंदर हमारे नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं, ओड नंबर भी आ जाते हैं, इवन नंबर भी आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों
कि अभी मैं बात करूंगा रैशनल नंबर पे उसमें कैसे इंक्लूड होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं, सारे नंबर दुनिया के सारे नंबर जो है वो रियल नंबर है एक्सेप्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर और या इमेजिनरी नंबर। अब बात करेंगे बेटा ये इमेजिनरी नंबर क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करेंगे, तो यहां पर इमेजिनरी नंबर की बात करी जाए तो बेटा देखो कि सपोज देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम अगर मान लिया आपने लिया माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 का स्क्वायर लिया तो कितना आएगा बेटा 25, और प्लस का 5 का स्क्वायर लिया तो कितना आएगा बच्चों ये भी 25। इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप माइनस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी पॉजिटिव दे रहा है वो, और अगर प्लस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी वो क्या दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इससे ये कंक्लूजन निकला कि अगर हम किसी भी एक नंबर जैसे हमारा 25 है इसका स्क्वायर रूट निकाले, क्या निकाले बेटा स्क्वायर रूट, तो इसका फैक्टर करेंगे 5 and 5, है ना। जब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा बेटा 5 into 5, यानी कि ये पेयर बन जाएगा हमारा रूट में 5 into 5। और ऑलवेज आपको पता है कि रूट से इस रूट के जो मतलब होता है वो क्या होता है बच्चों, इस रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो बेटा एक्सपोनेंट अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में कि एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे 5 into 5 है तो जब अगर हमारी बेस सेम रहती है बेटा 8th क्लास में अपने पढ़ा हुआ, जब बेस सेम रहती है तो पावर ऐड हो जाती है तो ये ऐड हो गई, और इस रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, रूट का मतलब बेटा 1/2 होता है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या आ गया 5। तो रूट से कभी भी कोई वैल्यू आती है तो हम उसे प्लस माइनस 5 लिखते हैं, रूट से कभी भी कोई वैल्यू बाहर आती है तो उसे हम क्या लिखते हैं प्लस माइनस 5 लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा इसलिए लिखते हैं कि अगर हम माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी हमारा पॉजिटिव दे रहा है, और प्लस का स्क्वायर कर रहे हैं तो भी हमारा पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए ऑलवेज हम क्या लेते हैं बेटा उसको, इसलिए हम ऑलवेज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इस नंबर को लेते हैं बच्चों। यहां पर समझ में आ गया, अगर हम यहां पर ऐसे लिखें कि भाई मुझे एक काम करिए आप, मुझे आप रूट में माइनस 25 का वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो रूट में माइनस 25 कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे इमेजिनरी नंबर, तो इस नंबर को हम ऐसे नंबर को क्या मानते हैं बेटा इमेजिनरी नंबर मानते हैं, इस नंबर को क्या मानते हैं इमेजिनरी नंबर मानते हैं, ठीक है बच्चों। तो जरा मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लें इसका, ठीक है। अब देखो यहां पर हम इसे क्या मानते हैं इमेजिनरी नंबर मानते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये इमेजिनरी नंबर हो गया, तो देखो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस तरीके से, हम ये रूट में माइनस 1 लिख देंगे और इंटू 5 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 5 iota। अब ये आयोटा जो है बेटा ये इमेजिनरी नंबर है, ये आप बेटा 11th क्लास में पढ़ेंगे, आपका एक चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5, एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। जो हमारा रूट में कोई वैल्यू माइनस में, अगर रूट में माइनस वैल्यू आ जाती है तो हमारा किस फॉर्म में आती है आयोटा के फॉर्म में आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं आयोटा बोलते हैं, आयोटा क्या बोलते हैं इसे हम आयोटा, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और उसके अंदर हमारे दो पार्ट आ जाते हैं, एक आता है हमारा रियल पार्ट जिसे बोलते हैं रियल नंबर्स, और एक होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट जिसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये जब दोनों मिल जाते हैं तो हमारा क्या बनता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। यही चैप्टर यही इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप 11th क्लास में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बेटा सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। तो ये टाइप हमारा 10, 11 और 12 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों अभी हमने रियल नंबर चैप्टर पर डील किया था, हमने अभी आपको समझाया था चैप्टर पर डील कर, ठीक है, कोई चीज नहीं। रियल नंबर को अभी हमने समझाया था, यहाँ पर देखेंगे जरा बेटा जो रियल नंबर मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। तो रियल नंबर जो मैंने आपको समझाया था उसके अंदर बेटा दो पार्ट बताए थे मैंने कि रियल नंबर जो होता है हमारा वो होता है आपका रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो बेटा देखो आप सबसे पहले हम रैशनल नंबर की बात करेंगे यहाँ पर कि रैशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं। तो बेटा ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ऐसे नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो वो हमारे क्या कहलाते हैं रैशनल नंबर कहलाते हैं, एक डेफिनेशन जीरो होगी। अब इसमें मैं एक चीज और इंक्लूड करना चाहता हूं कि ये हमारे नंबर जो होते हैं, ये हमारे नंबर होते हैं आपका, एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग
नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग नोड, इसे हिंदी में बोलते हैं शांत। अब ये टर्मिनेटिंग क्या होता है अभी देखते हैं। एक चीज और मैं इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं, ये हमारे नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, एंड आपके रिपीटिंग नंबर होते हैं। अब जरा इसको मैं थोड़ा एलोबरेट कर देता हूं। ये टर्मिन ये इसे बोलते हैं अशांत, इसे क्या बोलते हैं बेटा अशांत, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्या होता है, जरा इसको समझेंगे कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग सब क्या है, देखते हैं जरा। देखो मैंने क्या बोला कि भाई हम जो हमारा परिमेय संख्या रैशनल नंबर है उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि थ्री बाई टू तो ये क्या एक रैशनल नंबर है, और अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा बेटा 1.5 आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेट हो गया, आराम से डिवाइड हो गया, समझ आए बच्चों। चलो अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग पे। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1/3, एग्जांपल लिया मैंने क्या बेटा 1/3, ठीक है। एग्जांपल का मैंने 1/3 लिया बच्चों, तो ये जो सारी जो रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं बेटा ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आती है, ठीक है। ये सारी क्या है हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये सारी हमारी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है कि हम नंबर्स को डेसिमल में किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, जैसे 1/3 लिया मैंने, तो इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, ये चलता रहेगा 333, है ना, 0.333। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लगा के बार लगा के रोक देंगे, इसको हम बार लगा के रोक देंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। देखो टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, और रिपीट भी कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं आपका रैशनल नंबर कहते हैं, समझ में आ गया सभी को, ठीक। अब इसके अंदर जो ये हमारा ये आया, जैसे कि ये आया फ्रैक्शन, ठीक है, जिसे हम रैशनल नंबर से फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा क्या होता है रैशनल नंबर होता है। तो जब हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं बच्चों, देखो जरा। तो अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन देखेंगे, फ्रैक्शन क्या होता है हमारा बेटा, फ्रैक्शन के भी टाइप्स होते हैं हमारे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारा 2 ऊपर और 3 नीचे, देखो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये होता है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अंश और इसको कहते हैं हार, ठीक है बच्चों। तो देखो जो ऊपर वाली, अगर हमारी न्यूमरेटर वैल्यू बड़ी हो, ठीक है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं, सॉरी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। अगेन नेक्स्ट, अगर हमारी ये वैल्यू बड़ी आ जाए, रिवर्स कर दूं मैं इसको, तो इसमें देखो न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट, अगर इसको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म होता है, इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, मिक्स फ्रैक्शन। इसे सिंप्लीफाई करने का एक तरीका होता है वो देखेंगे, देखिए सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है जरा, ठीक है, मैं इसको जरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे वो वन सही, इसे लिखते हैं 1/3, ठीक है। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 3 × 1 = 3, और इसको इसमें ऐड कर देते हैं, तो ऐसे लिखेंगे 3 × 1 + 1/3, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 4/3 आंसर। समझ में आ गया ऑप्शन को बेटा, ये बेसिक है, ठीक है, ये आपके पेपर में नहीं आने वाला, बट मैं आपको समझा रहा हूं आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, चलो अब आपका एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा हम इरेशनल नंबर पे बात करते हैं बच्चों, ठीक है, रख कर दो इसको, ठीक है। चलिए देखिए, अब बेटा इरेशनल नंबर की अगर हम बात करी जाए तो जो इरेशनल नंबर होते हैं वो जितने भी हमारे सारे ऐसे नंबर जो रूट के नंबर होते हैं, जिसे कर्नी बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में सर्ट्स कहते हैं, ठीक है, वो सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, वो सारे नंबर हमारे इरेशनल कहलाते हैं, सारे नंबर हमारे कहलाते हैं इरेशनल कहलाते हैं, या ये बोल सकते हैं ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते, जो हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते वो हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं इस पे कि हमारा देखो जितने भी रूट के नंबर, जैसे मैं बोलूं √2, √3, √4, ये हमारे सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। और इसकी अगर डेफिनेशन की बात करी जाए तो ये हमारा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स होता है, ठीक है। तो यहां पर इसकी बात करी जाए तो जितने भी हमारे रूट वाले नंबर्स होते हैं बेटा, वो सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करी जाए, ठीक है, अगर जैसे हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर हिंदी में से आप कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर दो हमारे इरेशनल नंबर जैसे रूट टू प्लस रूट टू, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ऑलवेज इरेशनल नंबर आएगा। अगर हम दो इरेशनल नंबर को, दो इरेशनल नंबर है जो हमारे, ठीक है, अगर हम उसे मान लो माइनस करें तो हमारा ये भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। और अगर हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करें तो भी हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। और दो इरेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या आएगा आपका, वो भी इरेशनल नंबर आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब एक रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी इसकी बात करें तो वो भी देख लेते हैं कि भाई रैशनल नंबर में अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो ऑलवेज क्या देता है, वो रैशनल देता है। और अगर हम दो रैशनल नंबर को माइनस करें तो ऑलवेज क्या देगा बेटा, रैशनल नंबर देगा। और दो रैशनल नंबर को डिवाइड करें तो भी क्या देगा, रैशनल देगा। और दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो भी वो क्या देगा, रैशनल नंबर देगा, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने ये क्या कहा कि जितने भी नंबर है हमारे सारे वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो देखो अगर हम बात करें इंटीजर का रैशनल नंबर है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इंटीजर के रैशनल नंबर है, आपसे पूछा जाए कि बताइए मुझे इंटीजर का रैशनल नंबर है, तो आप बताएं मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। देखो इंटीजर का रैशनल नंबर है, यस इंटीजर एक रैशनल नंबर है, इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब वो कैसे बच्चों, देखो क्या मैं 2/1 इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता 2 को। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं कि 0 क्या है हमारा, 0 रैशनल नंबर है क्या, तो यस 0 रैशनल नंबर है। क्या 0 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो 0 हमारा क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि मुझे ये बताओ कि क्या हमारा, जैसे देखो मैं अगर बात करूं रूट फाइव की, देखो मैं जैसे इसके नंबर की बात करूं, जो मैंने भी एग्जांपल आपको समझाया था कि रूट फाइव की जो वैल्यू है हमारी वो समथिंग 2.1 समथिंग आगे 2.2 2.2365 ऐसे करके आती रहती है वैल्यू। तो देखो ये रिपीट भी नहीं कर रही, ठीक है, जब हम रूट फाइव की वैल्यू निकालेंगे तो ये ना ही रिपीट कर रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारे अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है बेटा, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। चलो बच्चों अब अगर मैं बात करूं कि हमारा जो पाई है बेटा, पाई पे कंक्लूजन निकालते हैं इसका स्क्रीनशॉट में। चलो देखो पाई की वैल्यू बात करी जाए बेटा, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो आता है, ठीक है, पाई। देखो पाई के बारे में ये कंक्लूजन अभी तक उस पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि पाई हमारा क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। तो अगर हम पाई की बात करें और उसकी वैल्यू की बात करें तो देखो पाई की अगर फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है अगर इसे डिवाइड करें 3.14 ऐसे चलती रहती है वैल्यू, तो ये सिंबॉलिक की, अगर हम सिंबॉलिकली पाई की फॉर्म में अगर उसे रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, इरेशनल नंबर कहलाता है। यानी कि मैथ के अंदर एक ऐसा नंबर है जो दोनों ही है, वो इरेशनल भी है और रैशनल भी है। और अगर हम उसे 22/7 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। एक्चुअली बेटा पाई की बहुत सारी वैल्यू है, ठीक है, पाई की बहुत सारी वैल्यू है, बट कुछ वैल्यू को जो है हमने, इस वैल्यू को हमने एक ऑलमोस्ट मतलब लगभग वैल्यू इसको मान के रिप्रेजेंट कर रखा है। वैसे पाई की बहुत सारी वैल्यू है बच्चों, ठीक है। तो पाई का दो है, वो आपका रैशनल भी है और इरेशनल भी है। इस पर अभी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि ये रैशनल है इरेशनल है, इसके बारे में देख रहे हैं वो लोग। तो आप इस चीज को अगर पेपर में पूछेंगे पाई क्या है बेटा, तो आप पाई को अगर रिप्रेजेंट करेंगे पाई की फॉर्म में तो इरेशनल है, और अगर 22/7 की फॉर्म में यानी 22/7 की फॉर्म में रिप्रेजेंट है तो वो हमारा क्या है, ये P/Q की फॉर्म में है तो ये हमारा रैशनल नंबर है। सभी को बच्चों यहां तक समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई समस्या है। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है।